नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। घर अगर लेना है तो फ्लैट लेना है कि प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है। इसके बारे में बहुत लोग कभी कभी असमंजस रहते हैं, जैसे क्या करना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में मैंने घर और फ्लैट ले प्लॉट लेके इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना एक कंपैरिजन किया है, कुछ पैरामीटर्स के थ्रू इसमें कंपैरिजन किया है कि इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सा आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहला है उसका नेसेसिटी क्या है। अभी जो जिसको भी घर बनाना है उसको नेसेसिटी क्या है, उसका चॉइस क्या है। कुछ लोगों को कैसे रहता है कि अपार्टमेंट में रहना पसंद नहीं या फिर सोसाइटी में रहना पसंद नहीं रहता, उनको इंडिपेंडेंट रहना पसंद रहता है। ऐसा इंडिपेंडेंट रहना मतलब प्लॉट लेके खुद का बंगलो बना के उसमें रहना पसंद रहता है। तो कुछ लोगों को कैसा सिक्योरिटी के हिसाब से, कुछ सोशल हिसाब से पब्लिक और आसपास में चाहिए उसके हिसाब से सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। अभी दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अभी फ्लेक्सिबिलिटी में कैसा है, अगर आप फ्लैट लेंगे तो फ्लैट में वहाँ जो प्लान रहेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन रहेगा, उसको एज इट इज आपको लेना पड़ेगा, उसमें आप ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्लॉट लेके अपना कंस्ट्रक्शन बंगलो करते हो तो उस बंगलो में आप जैसे चाहिए आप उस हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे रिटर्न्स के बारे में। जब भी आप कोई फ्लैट लेते हैं, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है तो उसके रिटर्न्स ज़्यादा होने के चांसेस है, अगर रेडीमेड फ्लैट है तो उसके रिटर्न्स कम रहते हैं। फिर भी ओवरऑल आप रिटर्न्स देखेंगे तो 10-12% पर एनम इसके रिटर्न्स रहते हैं। और यही अगर आप प्लॉट लेते हैं, अगर वो प्लॉट कहाँ लेते हैं उस लोकेशन पर डिपेंड है। अगर वहाँ कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर कॉरिडोर आ रहा है तो उसके आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, 15-20% भी आ सकते हैं। और वही अगर कोई लो डेवलपमेंट या फिर जहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है या आगे भी कुछ डेवलपमेंट होने के चांसेस कम है तो वहाँ आप लेंगे तो वहाँ प्लॉट के रिटर्न्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रेंटल इनकम। अगर रेंटल इनकम, जैसे अगर आपका फ्लैट लिया आपने तो फ्लैट का रेंटल इनकम आपको तुरंत चालू हो जाता है। लेकिन वही प्लॉट के बारे में आप देखेंगे तो प्लॉट का रेंटल इनकम ऐसे शुरू नहीं होगा, जबकि प्लॉट आपके जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, बंगलो घर बनाएंगे, उसके बाद ही आपका रेंटल इनकम शुरू होगा। इसके बाद हम देखेंगे रिस्क। रिस्क के साथ अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है तो उसमें आपको थोड़ा रिस्क होने के चांसेस है, जैसे कि अगर वो फ्लैट किसी न किसी वजह से डिले हो गया, कंस्ट्रक्शन में डिले हो गया, तो उस हिसाब से आपको अपना जहाँ भी आप रेंट से रह रहे हो, कहाँ भी रह रहे हो, तो उतना आपको डिले होगा, उसके साथ ही आपको उधर जाने में भी डिले होगा। वही अगर रेडीमेड फ्लैट है तो रेडीमेड फ्लैट में उतना रिस्क नहीं होता। और अगर प्लॉट आप लेंगे तो प्लॉट में सबसे बड़ा रिस्क है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका क्लियर टाइटल होना या फिर कोई भी आसपास में लैंडमार्क ऐसे भी थोड़ा बहुत खतरे होने का चांसेस रहता है। अभी हम देखेंगे टैक्स बेनिफिट। अभी जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट के लिए आप लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स में, जैसे ATC सेक्शन में, सेक्शन 24 में बेनिफिट मिलता है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी बेनिफिट मिलता है, जबकि प्लॉट के लिए आपको मिलने के चांसेस कम है। इसके बाद हम देखेंगे होम लोन या फिर जो भी बैंक लोन है। अगर आपको फ्लैट लेंगे तो फ्लैट को आपको 80-85% लोन मिल सकता है, और प्लॉट अगर लेंगे तो प्लॉट का लोन मिलने के चांसेस कम है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के हिसाब से आप देखेंगे तो फ्लैट में कैसा पूरा गार्डेड सिक्योरिटी रहता है, CCTV रहता है, अगर सोसाइटी वगैरह है तो बहुत सारी सुविधाएं रहती है। वही अगर आप प्लॉट के बारे में देखेंगे तो प्लॉट को ऐसी इस टाइप की सुविधाएं नहीं रहती या फिर सिक्योरिटीज नहीं रहती। तो हमने देखा ये जो पैरामीटर्स है, जैसे चॉइस है, नेसेसिटी है, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी है, बाद में रेंटल इनकम है, रिटर्न्स है, इसके बाद रिस्क है, और फिर बैंक लोन, और उसके साथ ही टैक्स बेनिफिट है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी भी है। ये जो कुछ पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स के चलते ही हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा अपने के लिए बेटर है।
तो आपको चॉइस करना है आपकी नेसेसिटी आपका चॉइस के ऊपर, और ये सारे पैरामीटर्स कंसिडर करके चुनना है कि आपको रेडीमेड फ्लैट में जाना है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में जाना है, कि प्लॉट लेके, प्लॉट लेने के बाद में उसके ऊपर अपना बंगलो वगैरह बनाना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसे लगा अब जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।